पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सपना चौधरी है या इनका जो डांस है, इनकी जो कला है, वो वल्गर है, वो वल्गर है, वो वल्गर है। मैं आज बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, वो वल्गर है, वो अश्लील है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी विद 100 प्लस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, अ प्लेस ऑफ लर्निंग वेयर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज कोएग्जिस्ट विद स्ट्रीम्स लाइक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट एंड मेनी अदर्स। वी आर गुरु काशी यूनिवर्सिटी। बड़ा हैरान हूं, मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कल से कि आप महिला विरोधी हैं। आप मीडिया के लोग इस बात को आज तोल तराजू करें और आप अपने कैमरे में जस्टिफाई करें और इसको टेलीविजन चैनल पर दिखाएं। एक दफे गुड़गांव के अंदर एक प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम को किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया और मुझे चीफ गेस्ट बुला लिया। वहां पे ये सपना चौधरी मैडम जो है परफॉर्म कर रही थी और इनके परफॉर्म करने का जो पोस्टर था, मेरा पोस्टर वहां लगा हुआ था। ये परफॉर्म करके चली गई तो मैं वहां चला गया और आप मीडिया के लोगों ने मुझे रोस्ट किया। 3 दिन तक तवे से नहीं उतारा कि दिग्विजय अश्लील डांस देख रहे हैं, दिग्विजय को शर्म नहीं आई, दिग्विजय वहां गए। आप मीडिया के लोगों ने और बीजेपी के लोग, यहां तक कि मंत्री लेवल तक के लोग ये कहते रहे कि दिग्विजय और इनकी पार्टी और इनके लोगों की सोच का जो कल्चर है वो ये अश्लील डांस का है, जबकि मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि वो सपना चौधरी वहां होंगी। आप ये जब चुनाव होते हैं और इस तरह के अश्लील डांस के कारण भीड़ लोग बुलाते हैं सो कॉल्ड कोई भी पार्टी को, तो मीडिया के लोग उन्हें रोस्ट करते हैं, उन्हें तड़का लगाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास कराते हैं, इल्म कराते हैं कि ये गलत हुआ है। दिग्विजय चौटाला ने कल ये कह दिया कि ये जो वो हमारा कल्चर नहीं है, वो हमारी सभ्यता नहीं है। क्या मैंने गलत कह दिया क्या? और अगर मेरी बात को आप लोग गलत मान रहे हैं तो आप मीडिया के लोग सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्ट्री हैं, यानी आप जो कहते हैं अपनी बात को फिर आप नहीं मान रहे। तो या तो आप पहले गलत थे या आज आप लोग गलत हैं या बीजेपी के लोग गलत हैं, इस बात का खुद आप लोग एहसास करें। मैं बड़े पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया के लोगों से कि या तो मुझे गलत प्रूव करें या स्वयं इस बात को माने कि बीजेपी ने जो फैसला सपना चौधरी को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लिया है, उनका अपना प्लेटफॉर्म हो सकता है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सफेद कुर्ता पजामा पहनकर आपकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ दायरे होते हैं। आज सपना चौधरी एक आइडल बनकर, पॉलिटिकल आइडल बनकर हरियाणा को और या इस देश को विजन देंगी, मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा बेड़ागर हरियाणा की और इस देश की राजनीति का नहीं हो सकता।